आलू सूजी के वेजिटेरियन शाही कबाब के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कटोरी भुनी हुई सूजी और 4 उबले हुए आलू जिन्हें हमने छील लिया है। हम एक पैन में 2.5 कटोरी पानी लेंगे क्योंकि हमने 1 कटोरी सूजी ली है और इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे। अब देख सकते हैं कि पानी उबल चुका है। अब हम इसमें भुनी हुई सूजी डाल देंगे। और इसको चलाकर 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। जब तक सूजी हो रही है तब तक हम दूसरे पैन में आधी चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें काजू बादाम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लें। अब इसी घी में बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, एक नॉर्मल मीडियम साइज की प्याज, और इसे तल लेंगे। हल्की सी फ्राई करने के बाद प्याज को हम निकाल लेंगे। अब 5 मिनट बाद हम सूजी को देख लेते हैं। ये देखिए ये बन चुकी है। आपको इतना ही इसको पानी डाल के इतना ही गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। हमें इतना ही गीला बैटर चाहिए सूजी का। ये देखिए इस तरह से। अब इसको एक प्लेट में आप ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम इन आलुओं को मैश कर लेंगे। अब इन आलुओं में कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, नमक स्वादानुसार, तली हुई प्याज जो हमने अभी तली थी वो डालेंगे, और अब कटी हुई प्याज, मीडियम साइज की, एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची, 4 से 5 हरी मिर्ची जो हमने काट लिया है, और अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच के बराबर चना मसाला इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये सब मिक्स करने के बाद अब इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी ठंडी होने के बाद ही ऐड करेंगे और ये ठंडी हो चुकी है इसलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इनके कबाब बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा आप इसमें बैटर लीजिए इसको गोल करके। कबाब बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर थोड़ा सा बैटर लेके इसको गोल इस तरह से करेंगे, फिर ऐसे प्रेस कर लूँ। इस तरह से इन्हें गोल करके बना लें। यहाँ पे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम की स्टफिंग करें। इसको वापस से राउंड करें। अब वापस इसको राउंड करके फिर प्रेस करके अभी आपका कबाब तैयार है सेकने के लिए। इस तरह से आप पूरे कबाब बना लें। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप आ गया है इसका। इसी तरह से हमने पूरे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब कबाब सेकने के लिए पैन को गर्म करने रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। जी देखिए इस तरह से हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हमने सेक लेंगे। अब इसमें कबाब तेल गरम हो गया। अब हम इसमें कबाब को डालेंगे। इस तरह से आप कबाब सारे डाल के इसको शैलो फ्राई करना है, इन्हें डीप फ्राई नहीं करना। कम तेल में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी आपका ये कबाब बन के तैयार होते हैं। तरफ से ये कबाब सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट कर देखेंगे। देखें इस तरह से सारे कबाब को आप पलट लें और अब इन्हें दूसरी तरफ से सिकने दें और हल्का सा तेल डाल दें जिससे कि उस तरह से भी अच्छे से सिक जाए। अब ये कबाब दोनों तरफ से सिक चुके हैं। आप इन्हें निकाल कर अलग कर लें। देखिए आप इसको दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब आप इसे निकाल कर अलग कर। इस तरह से मैं सारे कबाब सेक लिए। अब ये दूसरा
टाइम हमने इसमें कबाब डाले हैं, ये देखिए इसको इस तरह से वापस पलट लें आप और दोनों तरफ से शैलो फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी कबाब बनते हैं, इस तरह से सारे कबाब सेक लें। इसमें थोड़ा सा तेल डालें ताकि ये थोड़े और क्रिस्पी हो जाएं दोनों तरफ से। अब आप देखिए ये दोनों तरफ से सिक गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से सिके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के सिक के तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और अब ये देखिए सूजी आलू के वेज शाही कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी और झटपट बनने वाले। आप इन्हें देखें तोड़कर, ये अंदर से पूरी तरह से सिक चुके हैं। आप इस तरह से देखेंगे तो आपको इसमें स्टफिंग भी नज़र आएगी, इस तरह से ये देखिए। पैन में आप इन्हें जल्दी बनाकर देखें, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक बेहतरीन इफ्तारी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप इसको हरी चटनी, मीठी चटनी और दही के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इन कबाब को आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपने एक्सपीरियंस को हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।